चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए मैं आपको फिर से आज बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए देख रहा हूँ, मतलब मैं आज बैंक निफ्टी के 4 लॉट सेल करूँगा, मतलब 100 क्वांटिटी सेल करूँगा। तो चलिए आप जैसे कि चार्ट पे देख सकते हो, अभी बैंक निफ्टी 22555 के आसपास, सॉरी 2250 के आसपास अपना रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो जैसे ही मुझे मतलब कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ तो कर लूँगा। चलिए मैं अभी अपने 4 लॉट के लिए ऑर्डर डाल रहा हूँ, ब्रैकेट ऑर्डर डाल रहा हूँ। तो जो प्राइस है जहाँ पे मैं सेल करना चाहता हूँ वो है 22245, ये प्राइस है, वहाँ पे मुझे सेल करना अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, जब भी देखिए अभी ये प्राइस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं उसको थोड़ा सा अभी मॉडिफाई करूँगा, 22245 यहाँ पे मैं अपना मतलब जो 4 लॉट है सेल करना चाहता हूँ। तो मैं प्राइस एक्शन अभी भी देख रहा हूँ, तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि दोनों भी डाउनसाइड जा रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 22245, मैंने अपना ऑर्डर सेल का प्लेस कर दिया है दोस्तों। जैसे ही हमें ऑर्डर मिल जाएगा तो नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, लेकिन बार बार मैं इसलिए चेक करता रहता था हमेशा कि ऑर्डर हमारी सही जगह पर एंट्री मिल जाए। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पर सेल का बटन दबा दिया और मुझे ऑर्डर मिल जाएगी अभी। तो ठीक है, देख सकते हैं आप, मैं पोर्टफोलियो में जाके दिखाता हूँ ऑर्डर मिलेगी नहीं है। तो चलिए पोर्टफोलियो चेक करते हैं। तो दोस्तों इस ट्रेड में मेरी रिस्क रहेगी लगभग 5000 की और प्रॉफिट रहेगा लगभग 6 से 7 या 8 हज़ार के बीच में रहेगा। तो नीचे वाले दो ट्रेड हैं वो ऑप्शन सेल किए हुए हैं, उसके तरफ ध्यान मत दीजिए। सबसे ऊपर वाला जो बैंक निफ्टी लिखा हुआ है उसका मैं अभी आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ट्रेल करके दिखा दूंगा कि कैसे होता है, कैसे हम अपनी ट्रेड की रिस्क मिनिमम करके मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो पहले मैंने 22160 का टारगेट लगाया था, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, 22180 का कर रहा हूँ। तो मेरे पहले वीडियो में आप देख चुके होंगे कि मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, ज़्यादा समय मार्केट में नहीं रहता। तो मेरा जो माइंड सेट है आज डाउन साइड है कि मुझे लगता है डाउन साइड थोड़ा सा मूवमेंट जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। देख सकते हो मैंने जो ब्रैकेट ऑर्डर स्प्लिट होता है पिछले वीडियो भी आपने देखा होगा, तो उस सबको मॉडिफाई कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है मैं अपना स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो चलिए ये चारों लॉट मेरे हो चुके हैं मॉडिफाइड 22180 के आसपास और हमारा सेलिंग प्राइस है 22245, मतलब लगभग 65 पॉइंट का हमने यहाँ से टारगेट लगाया है। तो थोड़ी देर के बाद रिस्क भी कम करेंगे, जैसे ही डाउनसाइड मूवमेंट शुरू होगी बैंक निफ्टी की हमारे डायरेक्शन में तो हम अपनी रिस्क कम करेंगे। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चल रहा है अभी, रिट्रेसमेंट होता ही है दोस्तों, जब भी मतलब बड़ा फॉल या बड़ी मूवमेंट होती है तो उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चलाता है। तो हमने शॉर्ट सेलिंग में हम बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट के चलते ये 10-20 रुपये ऊपर जाएगा, फिर भी हमारा फिलहाल अभी 2000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। तो मैंने जो मेरी 7000 की रिस्क थी वो अभी खाली 1000 रुपये कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो सेलिंग प्राइस था वो 22245 था, अभी मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ दोस्तों 10 पॉइंट ऊपर, मतलब 22225, मतलब 22255 को मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ। जैसे कि हमने अपना टारगेट भी ट्रेल किया था वैसे स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको अपना रिस्क हमेशा कम करना चाहिए। मान लो कि अगर बड़ी मूवमेंट हो जाती है तो स्टॉप लॉस वोलेटिलिटी में हिट होने दीजिए, लेकिन आपका रिस्क कम होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी 5000 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है ऊपर MTM में, नीचे टोटल में थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, वो थोड़े दो और ट्रेड है उसके बारे में अलग से वीडियो बना के बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी प्रॉफिट 5030-4500 उसी के आसपास है और हमारा जो टारगेट है अभी 10 पॉइंट ही बचा हुआ है, 10-15 पॉइंट ही बचा हुआ है, तो विद इन 30-40 सेकेंड हमारा वो टारगेट अचीव हो जाएगा दोस्तों। तो कहना यही था मेरा कि हमेशा की तरह प्राइस एक्शन चेक कीजिए और मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए तो आपके लिए इजी होगा, लेकिन ये सब चीज़ें आपको पता कहाँ पे चलेगी। तो मेरा जो भी कोर्स है उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, अभी सैटरडे संडे का फिलहाल बैच फुल हो चुका है, जब भी अगले बैच का कोई अपडेट मैं अपने इंस्टा पेज पे अपडेट कर दूंगा। तो चलिए देख पा रहे हो आप अब कि प्रॉफिट हमारा लगभग 5000 के आसपास ही चल रहा है और हमारा टारगेट है 10-15 पॉइंट ही बचे हुए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, आप तो देखेंगे स्क्रीन पे, तो लगभग अभी 5000 के आसपास पूरा वहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चल रहा है, वहाँ पे थोड़े से बायर एक्युमुलेट हो रहे हैं। तो जैसे ही होगा अपडेट, मतलब जैसे ही प्रॉफिट बुक होगा तो आप तो लाइव ट्रेडिंग में देख रहे हो, हमारे स्क्रीन के सामने दिख जाएगा हमें। तो ये सब सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ कि एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे लेना है, खाली पैसा होने से कुछ नहीं होता है, तो थोड़ा सा नॉलेज चाहिए आपको, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ मेरे कोर्स में।
तो देख सकते हो मेरा टारगेट अभी अचीव हो चुका है। तो हमने लगभग, मैं आपको दिखाता हूँ अभी रिफ्रेश करके, तो लगभग मैंने 6,500 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है और नीचे के दो ट्रेड उनमें भी प्रॉफिट बुक किया है। देखो उनमें भी प्रॉफिट पूरा मिला के 7,070 रुपये, मतलब इतना सारा प्रॉफिट मैंने अभी बुक किया है। विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर ट्रेड हमारा खत्म हो चुका है। तो यही सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन, पूरा इम्प्लीमेंटेशन माइंडसेट क्या रहना चाहिए आपका, हर ट्रेड में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिक्स होना चाहिए। तो पूरा वीडियो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मेरे को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और थैंक यू।